आप सभी को नमस्कार। अपने भूगोल की कक्षा में विशेषकर आज हम भूगोल की बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित चर्चा को करने वाले हैं और इस कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में और भूवैज्ञानिक संरचना के अध्ययन के क्रम में हम कुछ अन्य चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ संबंधित क्षेत्र हैं जो कुछ विशेष नामों से जाने जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और जो भी चर्चा हो रही है ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से हो रही है, ये आपको मानकर चलना है। और अपनी प्रारंभिक परीक्षा की को और धार देने के लिए आपको पता है कि आपके जो लाइव सेशन प्रारंभ हो रहा है 5 तारीख से, उसमें भी आप सबको भाग लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना भी है। तो सबसे पहले बात आती है मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में। तो आप सब जानते होंगे कि हिमालय से भी पुराना जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम जो भूभाग है, यदि हम कह लें आसान शब्दों में, यदि हम कहें तो जो हमारा मूल गोंडवाना जो लैंड है, मूल जो हमारा गोंडवाना भाग है उसको बोला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में एक आपकी जनजाति रहती है गोंड। तो जो मुख्य प्रकार की जो जनजाति है गोंड, इसी के आधार पर शायद इस भूभाग का नाम गोंडवाना रखा गया। और जो सबसे प्राचीनतम भूभाग है, सबसे प्राचीनतम प्रायद्वीपीय भाग का खंड है, उस पर आज वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो जो आज की चर्चा होती है, आज के मध्य प्रदेश की बात होती है, पूर्व में आप जानते हैं कि पूरा विश्व एक भूखंड में जकड़ा हुआ था। आप जानते हैं कि विगत वर्षों में, कुछ कालों में, आने वाले वर्षों में क्या हुआ कि उनमें विघटन हुआ जिससे वो दो भागों में बट गया। और आप जानते हैं पैंजिया पैंथिलासा का नाम आपने सुना होगा, तो ये आप प्लेट विवर्तनिकी में इसकी चर्चा किए होंगे, प्लेट विवर्तनिकी में इससे संबंधित चर्चा आपको देखने को मिलेगी जब आप भारत का भूगोल का अध्ययन करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब पैंजिया जो भूखंड था, बाद में ये क्या हुआ कि यह भी दो भागों में बट गया। और जब पैंजिया जो भूखंड था दो भागों में बटा, तो उसी में से एक भाग था जिसको बोलते हैं लारेंसिया और दूसरा भाग था गोंडवाना। और जो गोंडवाना भाग था, यदि हम बात करें तो गोंडवाना में आज के अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर और भारतीय प्रायद्वीप का जो भाग था, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और ये गोंडवाना लैंड के नाम से विकसित हुआ था। बाद के वर्षों में क्या हुआ, क्योंकि एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण, दूसरा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगातार ये जो भूखंड थे ये गतिशील हुए और आज की जो आप अवस्थिति देखते हैं भारत की, ये करोड़ों वर्षों में आज की अवस्थिति प्राप्त होती है। अब यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश की राज्य विशेष की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहली बात पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के चट्टानों का विस्तार किस क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पुरानी जो चट्टान मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में देखने को मिलती है वो आद्य महाकल्प की है, जिसको आर्कियन क्रम की चट्टानें आप कहते हैं, ये सबसे प्राचीनतम है। और इसी चट्टान का जब निक्षेपण हुआ विभिन्न प्रक्रमों द्वारा, तब जाकर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और यही धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थीं, यही बाद में मोड़दार पर्वतों के रूप में अस्तित्व में आई। और मोड़दार पर्वत जो इनसे बने, बाद में इन्हीं मोड़दार पर्वतों पर जब अपरदन हुआ विभिन्न प्रक्रमों द्वारा, तब आपको कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं और उसके बाद की विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो यदि आपको ये 4 चट्टानों के नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनको सबसे प्राचीनतम से सबसे नवीनतम के क्रम में लगाएं, तो सबसे पहले आप आर्कियन क्रम की चट्टानों को लिखेंगे, फिर आप धारवाड़ क्रम की चट्टानों को रखेंगे, फिर आप कुडप्पा रखेंगे और सबसे नवीनतम में यदि देखें तो आप विंध्यन रखेंगे इन चारों के क्रम में, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में, तो आप देखते हैं गोंडवाना समूह की चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। और आप देखेंगे कि लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना, 3 प्रकार से मध्य प्रदेश के राज्य को विभाजित किया गया है। 3 प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में गोंडवाना प्रकार की देखने को मिलती हैं। यदि हम मध्य प्रदेश राज्य विशेष के मैप की बात करते हैं, तो ये आपके चट्टानों का मैप है और इसमें आप देखेंगे चीज़ों को कि किस प्रकार की चट्टानें किस क्षेत्र विशेष पर आपको देखने को मिलती है। अब इसमें यदि आप देख रहे हों तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो वो भी आपको देख लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है राजस्थान, यहाँ पे आपको राजस्थान देखने को मिल रहा है। और राजस्थान की बात यदि हम करें तो राजस्थान के साथ साथ इसमें हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको राजस्थान के बाद फिर आपको यदि हम उत्तर में बात करें तो उत्तर प्रदेश,
फिर यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर आपको देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है गुजरात। तो ये भी आपका रिवीजन हो जाएगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में यदि हम देखें तो पड़ोसी राज्य कौन कौन से आते हैं, क्योंकि पहली जो कक्षा थी उसमें हमने पड़ोसी राज्यों के बारे में बात किया था। अब यदि हम चट्टानों के क्रम में देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ नाम देखने को मिल रहे होंगे, जैसे आर्कियंस, धारवाड़, पुड़प्पा, विंध्यन, जुरैसिक, क्रिटेशियस, दक्कन ट्रैप, अभिनोकल्प और अधिनूतन, ये कुछ चट्टानों के क्रम देखने को मिल रहे होंगे। और भारत जब मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं, इसके विस्तार की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में, तो ये आपका मैप है, यदि आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी। विशेषकर आप देख रहे होंगे आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में, तो ये आपका जहाँ पर क्रॉस, इस तरह का क्रॉस दिया हुआ है, वहाँ पे आपके आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि ये आपका नीमच का क्षेत्र आता है, यहाँ पे आपको ये चट्टानें देखने को मिलती हैं। फिर यदि आप देख रहे होंगे तो अलीपुर राज, अलीराजपुर का क्षेत्र आता है, यहाँ पर आपको ये चट्टानें देखने को मिल रही हैं। ये कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इसके बाद हम आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात करें तो आपको जो हमारा महाराष्ट्र, जैसे बैतूल और होशंगाबाद का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बैतूल में विशेष करके ये चट्टानें आर्कियन क्रम की आपको देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो आप जानते हैं कि बालाघाट का क्षेत्र है, बालाघाट के क्षेत्र में भी आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाती हैं, और मंडला और सिवनी ज़िले में भी आपको आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार देखने को वर्तमान समय में मिल जाता है। अब ये जो विस्तार देखने को मिलता है, ये जो आपको विस्तार देखने को मिलता है, इसमें यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो नीमच का क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिला, अलीराजपुर के क्षेत्र में देखने को मिला, अलीराजपुर के क्षेत्र के बाद आपने देखा कि किस प्रकार से सिवनी के क्षेत्र में आपको देखने को मिला और किस प्रकार से बैतूल के क्षेत्र में आपको देखने को मिला इस प्रकार की चट्टानें। दूसरा आपका क्रम है धारवाड़, धारवाड़ क्रम की यदि हम बात करते हैं तो जब मध्य प्रदेश का आप मैप देखते होंगे, इसके ज़्यादातर भाग पर यदि आप देखें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है। जैसे ये पूरा क्षेत्र आपको जो देखने को मिल रहा है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इसके बाद पुनः, मतलब आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिल रही हैं। और धारवाड़ के बाद यदि हम बात करें कुडप्पा क्रम की चट्टानें आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, विशेषकर यदि हम देखें तो उत्तरी पूर्वी भागों में, ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और राज्य की यदि हम बात करें तो रीवा से संबंधित जो क्षेत्र है, सिंगरौली का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र विशेष में आपको ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और ये आपका कौन सा है? ये आपका विंध्यन क्रम है, यहाँ पे विंध्यन क्रम भी आपको सिंगरौली के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो विशेषकर यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो मध्य प्रदेश में विस्तारित है वो आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद आपको क्या याद रखना है, जैसे कुडप्पा क्रम की चट्टानें विशेषकर आप देखें मध्य प्रदेश के मध्य भाग में, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिल रही हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, जब भी आप चट्टानों की बात करते हैं मध्य प्रदेश से संदर्भित, तो आपको एक क्रम याद रखना है, धारवाड़ क्रम। यदि हम सबसे कम बात करें कि कौन सी चट्टानें मध्य प्रदेश के संदर्भ में सबसे कम कौन सी चट्टानें देखने को मिलती हैं, तो इसमें आप देखोगे दूसरा जो आपका क्रम देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे कम यदि हम देखें तो ये वाली क्रम देखने को मिल रही है। और ये जो क्रम है ये किसका है? ये आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का है। तो सबसे कम क्षेत्रफल पर यदि मध्य प्रदेश में हम कहीं पे बात करें तो आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यदि हम कहीं पे बात करें तो ये आपका जो क्रॉस वाला ये जो बॉक्स बना है, ये आपका है दक्कन ट्रैप का, सॉरी मैंने शायद पहले धारवाड़ बता दिया, लेकिन ये दक्कन ट्रैप का है। तो सबसे ज़्यादा आपके जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में वो दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र हैं। दक्कन ट्रैप का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि भारत में विभिन्न कालों में, भारत में जब पर्वतों का निर्माण हो रहा था, भूभाग का निर्माण हो रहा था, तो विशेष कालों में लावा का उद्गार होता था। तो जो लावा का उद्गार होता था वो भारत के लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भाग पर फैलता था। तो जो लावा प्रायद्वीपीय भाग पर फैला है, जिन क्षेत्रों में लावा का प्रसार देखा जाता है, उन्हीं को आप दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, जिन क्षेत्रों पर लावा का प्रसार हुआ है।
तो मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जो मध्य प्रदेश में विस्तार है वो लावा का हुआ है, और इसी को आप देखते होंगे कि आप जानते हैं दक्कन ट्रैप के नाम से ये आपका लिखा हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो दक्कन ट्रैप का क्षेत्र आपका आता है। सबसे कम क्षेत्र यदि हम बात करें तो आर्कियंस और धारवाड़ क्रम का आता है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में ट्रैप वाला, दक्कन ट्रैप वाला पूरा क्षेत्र आपको याद होना चाहिए। यदि हम बात करें कि उत्तरी भाग में कौन सा क्षेत्र देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखा है अधिनूतन, अधिनूतन प्रकार की चट्टाने यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे आपको कुडप्पा देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो अभिनव कल्प की भी चट्टाने आपको देखने को मिल रही हैं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में। ये जो आपका भाग है इसमें आपको अभिनव कल्प की चट्टाने देखने को मिल रही हैं। तो कहने का मतलब है कुछ क्षेत्र विशेष हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे दक्कन ट्रैप की यदि बात होती है तो दक्कन ट्रैप के संदर्भ में याद रखना है कि जो दक्कन ट्रैप है इसका जो विस्तार है ये उत्तरी भाग में नहीं है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या मुरैना भिंड जो क्षेत्र है या जो ग्वालियर का क्षेत्र है क्या वहाँ पे दक्कन ट्रैप का विस्तार है, तो आपका जवाब होगा नहीं, कि वहाँ पे दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें आपको दक्कन ट्रैप की चट्टाने देखने को नहीं मिलती हैं। तो हमें कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र याद रखने हैं जहाँ पे किसी विशेष क्षेत्र का विस्तार ना हो। जैसे दक्कन ट्रैप के बारे में यह याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी है, यदि आप याद रखते हैं कि किन क्षेत्रों में विस्तार है, इससे अच्छा है कि आप याद कर लीजिए कि किन क्षेत्रों में इसका विस्तार नहीं है, और उन क्षेत्रों को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि दक्कन ट्रैप पूरे मध्य प्रदेश में फैला है। कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इसका विस्तार नहीं है, विशेषकर ये आपका उत्तरी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से लगता है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसका विस्तार नहीं है। इसके साथ साथ आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं जहाँ पे दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं है, इसमें आपके शहडोल आ जाता है, शहडोल के साथ सीधी सिंगरौली, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं है, इसलिए आप इसको भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पर दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो जैसे कुछ चट्टाने ऐसी हैं जो बहुत ही सीमित क्षेत्र पर हैं तो उनके क्षेत्र याद कर लीजिए आसानी से, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो विस्तृत क्षेत्र पर है तो उसमें याद करना आसान है कि किन क्षेत्रों पर उसका विस्तार नहीं पाया जाता है। उन चीज़ों को आप याद कर लीजिए तो चीज़ें निश्चित रूप से आपकी बेहतर होंगी। अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि बहुत सारे मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं जो विभिन्न उपनामों से भी जाने जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें इसी मैप में, यदि हम बात करें आप देखोगे कि सबसे पहले आप देखते हो कि मध्य प्रदेश में जैसे बहुत सारी राजधानियां हैं। उदाहरण के रूप में ये आपका मैप है, इसको यदि आप ध्यान से देखते हो तो इसमें आपको लिखा होगा बहुत सारी राजधानियों के बारे में इसमें बात की गई है। उदाहरण के रूप में जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इस मैप में आपको देखने को मिल रहा होगा कि पहला बताया गया है कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना एक नवीन राज्य के रूप में हुई तो उस समय जो राजधानी थी, उस समय जो राजधानी बनाई गई वो भोपाल को बनाई गई, तो भोपाल यहाँ पे राजधानी है। इसके बाद आप देख रहे होंगे छतरपुर, दूसरा स्थान आप देख रहे होंगे भोपाल के बाद, दूसरा स्थान आप देख रहे हैं छतरपुर। छतरपुर को क्यों जाना जाता है? छतरपुर को बोला जाता है कि स्थापत्य कला राजधानी। यदि आपसे बात किया जाए कि मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला राजधानी के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो आपको जवाब देना होगा कि छतरपुर का जो क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और आप जानते होंगे विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो है वो आपके इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो खजुराहो जो विश्व विरासत स्थल है, जहाँ पे 44 वर्षों बाद खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये छतरपुर क्षेत्र में पड़ता है, और इसी के कारण छतरपुर क्षेत्र को स्थापत्य कला राजधानी के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद आता है संगीत राजधानी। संगीत राजधानी क्यों कहते हैं सतना को? ये संगीत राजधानी के रूप में सतना जाना जाता है। क्यों कहते हैं? यहाँ पे जो सरोद वादक थे अलाउद्दीन खां तथा और अन्य यहाँ पे जो संगीतकार थे उनकी ये कार्यस्थली थी, उनकी कार्यस्थली के कारण इसको जाना जाता है संगीत राजधानी के रूप में। तो सतना हो गई संगीत राजधानी के रूप में। फिर आप जानते होंगे सिंगरौली, सिंगरौली में कोयले की खदान है, सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र भी बॉर्डर पे बना है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो सिंगरौली के कारण क्या है कि सिंगरौली के कारण मध्य प्रदेश को, क्योंकि सिंगरौली में ताप विद्युत से संबंधित संयंत्र हैं, कोयला का उत्पादन होता है और यहाँ पे बिजली का भी उत्पादन होता है, तो इसलिए मध्य प्रदेश में सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं। आप जानते होंगे जबलपुर, जबलपुर की चर्चा अक्सर सुनते होंगे, आपका मुख्य परीक्षा का विवाद है जबलपुर हाई कोर्ट में ही है, तो आप जानते होंगे कि जबलपुर को बोला जाता है न्यायिक एवं संस्कार राजधानी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो उच्च न्यायालय है
हाई कोर्ट जो हमारा मध्य प्रदेश का है उसकी जो मुख्य पीठ है वो आपकी जबलपुर में स्थित है, इसलिए इसको न्यायिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का जो है संगम स्थल है, जिसके कारण इसको संस्कार राजधानी भी बोला जाता है। इसके बाद नाम आता है बालाघाट। बालाघाट का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि बालाघाट में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा मैग्नीज का जो उत्पादन होता है वो बालाघाट से होता है। और एशिया की यदि हम बात करें कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो मैग्नीज की खदान है वो आपको बालाघाट के क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो बालाघाट को मैग्नीज राजधानी के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर इसके बाद नाम आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद को बोला जाता है ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्यों बोला जाता है ग्रीष्मकालीन राजधानी यदि हम इसकी बात करें, तो इनका जो एकमात्र हिल स्टेशन है या जिसको आप सतपुरा की रानी कहते हो, पंचमढ़ी, वो क्षेत्र आपका होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, इसलिए होशंगाबाद को मध्य प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इंदौर आता है। इंदौर को बोला जाता है व्यावसायिक राजधानी। क्यों व्यावसायिक राजधानी बोला जाता है? क्योंकि जो औद्योगिक घराने हैं, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो सबसे ज़्यादा वो आपके इंदौर राज्य विशेष के इंदौर जिले के क्षेत्र में फैली हैं, इस कारण से इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। आप उज्जैन का नाम सुनते होंगे, महाकाल की नगरी है, और इसी के कारण उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी का भी दर्जा मध्य प्रदेश में दिया गया है। तो कुछ उपनाम है जो आपको पता होना चाहिए, और इसी के संदर्भ में एक और लिस्ट है उसको भी हम देख लेते हैं, जिसमें आपके मध्य प्रदेश के स्थलों के और कई उपनाम हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। जैसे आप देखते होंगे रीवा, रीवा का नाम आप अक्सर सुनते होंगे। क्यों सुनते होंगे? रीवा को क्या बोला जाता है? रीवा को बोला जाता है सफ़ेद शेरों की भूमि। तो रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे वाइट टाइगर पाए जाते हैं। दूसरा पन्ना। पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? पन्ना के क्षेत्र में हीरा निकाला जाता है, इसलिए पन्ना को हीरा नगरी के नाम से जानते हैं। सतना के बारे में अभी आपको बताया गया कि सतना संगीत नगरी है। इसके बाद यदि हम देखें तो छतरपुर, छतरपुर के बारे में भी आपको बताया गया कि खजुराहो यहाँ पे है। इसके बाद यदि हम देखें तो आपको देखने को मिलता है सागर। सागर क्यों प्रसिद्ध है? सागर को मध्य प्रदेश का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। ग्वालियर को क्या कहा जाता है? तानसेन की नगरी कहा जाता है। और प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी कौन सी है? तो शिवपुरी को प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भोपाल के बारे में आपको पता है कि भोपाल का उपनाम है नवाबों का शहर, सात पहाड़ियों का नगर और झीलों की नगरी, क्योंकि यहाँ पे झीलों की बहुतायत मात्रा है। इसके बाद यदि हम देखें तो राजगढ़ का स्थान आता है। राजगढ़ क्या है? मालवा ए कश्मीर। मालवा ए कश्मीर के नाम से जो प्रसिद्ध है वो आपका राजगढ़ का क्षेत्र है। इसके बाद यदि हम देखें तो उज्जैन के बारे में हमने बताया कि महाकाल की नगरी है, और इसको पृथ्वी का केंद्र भी कहते हैं। पृथ्वी का केंद्र कहते हैं, मूर्तियों का नगर कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा पृथ्वी का केंद्र, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे कटनी आपका आता है। कटनी को कहा जाता है स्वतंत्र भारत का केंद्र बिंदु, स्वतंत्र भारत का केंद्र, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबलपुर आप देखते हैं, जबलपुर को आपने देखा संस्कार राजधानी के रूप में, न्यायिक राजधानी के रूप में, और संगमरमर व मार्बल मार्बल नगरी के रूप में भी हम इसको जानते हैं। इसके बाद आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा क्यों मशहूर है? छिंदवाड़ा मशहूर है मध्य प्रदेश के मोगली लैंड के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो जंगल हैं, जो वन हैं, उनका क्षेत्र ज़्यादा है। बालाघाट के बारे में हमने देख ही लिया है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने देख लिया। अब बैतूल का क्षेत्र आता है। जैसे हमने देखा कि कटनी को बोला जाता है स्वतंत्र भारत का केंद्र बिंदु, उसी तरह से बैतूल में एक स्थान है बरसाली, इसको बोला जाता है अखंड भारत का केंद्र बिंदु, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यदि हम बात करें पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो उज्जैन को बोला जाता है पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ये आपको पता होना चाहिए। खरगोन एक है, खरगोन जिला है मध्य प्रदेश में, इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंदौर की यदि हम बात करें तो इंदौर अभी हमने देखा था व्यावसायिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी के साथ साथ इंदौर को खेल राजधानी, अहिल्या नगरी और मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ उपनाम है जो आपको पता होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसकी चर्चा की गई है। तो आज की जो चर्चा थी उसकी यहीं पे समाप्ति करते हैं। आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में, कि जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, मध्य प्रदेश का विस्तार कितने अक्षांशों से कितने अक्षांशों तक है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख पठारों के बारे में भी हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।